अकोला के पंचशील नगर निवासी आरती मंगेश मोरे, जिसके पति का 10 दिन पहले ही देहांत हुआ है, बैंक के किसी काम से बैंक ऑफ महाराष्ट्र गई, जहां उसके बच्चे के पास से किसी ने एंड्रॉयड मोबाइल चुरा लिया। गरीब तबके की मारी आरती मोबाइल को इधर उधर ढूंढने लगी। जब मोबाइल नहीं मिला तो शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर एक ऑटो में सवार होकर चल पड़ी। उसका पूरा ध्यान अपने मोबाइल की ओर था। शैतान चोर ने एक विधवा का मोबाइल चुरा लिया था। इसी घबराहट में उसने अपना पर्स ऑटो में ही भूल गई। एक ही दिन में उस पर 2 सितम हो गए। लेकिन ऑटो चालक मोहम्मद हनीफ, जो कि खदान रहवासी है, उसने अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए जब उसकी नज़र ऑटो में रखे पर्स पर पड़ी, जिसमें सोने का मंगलसूत्र और कान के इयररिंग सहित कीमती दस्तावेज थे, हनीफ जरा भी लालच में ना आकर अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए तुरंत शहर वाहतूक शाखा की ओर रुक किया और वहां के पुलिस निरीक्षक को यह सारा माजरा बताते हुए पर्स उसके हवाले किया। पुलिस ने भी अपना काम ईमानदारी से निभाते हुए तुरंत आरती से संपर्क साधा और पुलिस निरीक्षक गजानन शेलके ने अपने हाथों से आरती को उसका पर्स लौटा आया। साथ ही ऑटो चालक हनीफ के इस ईमानदारी भरे कार्य के लिए उसे 500 रुपए की बख्शीश दी। पर्स मिलने के बाद विधवा आरती की आंखों से आंसू निकल पड़े और वह कह पड़ी कि एक ही दिन में मैंने इंसान के 2 रूपों से भेंट की, एक फरिश्ते के रूप में तो वही दूसरा शैतान के रूप में। मोहम्मद हनीफ है, मैं ऑटो चलाता हूँ और मुझे कल एक सवारी मिली थी और सवारी अपना पर्स भूल गई थी। वो पर्स मुझे बाद में पता चला कि वो पर्स ऑटो में है। मैंने ट्रैफिक के साहब को जमा कराया हूँ, साहब ने मीटिंग लिए थे, ऑटो वालों को बताए थे कि जो भी आपको मिलता है सामान वो आप ट्रैफिक ऑफिस में जमा कराए, और मैंने जमा कराया हूँ और साहब ने मेरा सत्कार किए और साहब ने मुझे 500 रुपये इनाम दिए। और मैं ये चाहता हूँ जो भी ऑटो वाले हैं अपनी ईमानदारी व्यक्त करें और मैं साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो पर्स में भाई का मंगलसूत्र था, 2 कान के कैप्सूल थे और उसके डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, टोटल डॉक्यूमेंट थे।